दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं विक्टोरिया मेमोरियल और इस साइड पे मुझे जाके अभी टिकट काउंटर पे जाना है जो कि इस साइड पे है। आई थिंक 30 रुपीज़ लेगा टिकट का, तो मैं टिकट लेके अभी अंदर इंटर हो जाऊंगा। दो आदमी का 60 रुपीज़। मुझे लगता है अंदर विक्टोरिया के अंदर शायद बंद है, काहे कि आप लोगों को पता है क्या चल रहा है। फिलहाल तो मैं मास्क लगा के अंदर आना पड़ रहा है और आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, तो चलिए उधर चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। पहुंच गया हूं मैं विक्टोरिया में और इसको देखेंगे हम नज़ारे से, एकदम घूम घूम के पूरा देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, आप पीछे देख पा रहे होंगे बाहर से सॉलिड दिख रहा है। तो दोस्तों बाहर से कुछ इस तरीके का आप लोग को देखने को मिलेगा और वहाँ से अंदर अभी जाएंगे हम, अंदर की पूरी चीज़ हम देखेंगे। अभी अंदर बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, अंदर की पूरी चीज़ हम देखेंगे, कुछ मिलेगा अभी देखने को भाई, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल बने रहिए। चलो इस तरफ से पहले जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सॉलिड लग रहा है देखने में और बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा अंदर। पहले तो मिरर के पास एक फ़ोटो ले लेते हैं, सही लग रहा हूँ। ये पढ़ लीजिए क्या लिख रहा है। बहुत कुछ मुझे ये मिरर अच्छा लग रहा है यार, बाकी तो सारा बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो भाई वैसे मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पब्लिक काफ़ी सारा है, वो क्या पता है बहुत ज़्यादा है पब्लिक। अरे बाबा सही पार है और यहाँ काफ़ी कुछ है, ऊपर देखते हैं। ये कब का फोटो है रे बाबा, कैमरा यहाँ पर हिल रहा है, विक्टोरिया लग रहा है। वाह, इस तरफ थोड़ा अंधेरा लग रहा है और चलिए अंग्रेज़ों की जवाने की जेलर की एक वर्दी रखी हुई है यहाँ पर, उसकी वीडियो लेते हैं पहले हम। ये इधर रखा हुआ है, सही है। और इस तरफ तो अभी कुछ चल ही रहा है, दीवार के ऊपर ही कुछ चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। यहाँ तक ख़त्म है, यहाँ वहाँ से एग्जिट है और यहाँ पर भी एक अंग्रेज़ों की वर्दी रखा हुआ है, लगा देते क्या है। ओहो, किसी से लड़ाई करेगा गवाह गब। चलो बहुत कुछ है, क्या क्या देखेंगे। और यहाँ थोड़ा लाइट उजाला दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ गर्मी तो लग रहा है लेकिन फिलहाल तो मिला है, यानी कि अंग्रेजों के जमाने की वर्दी देख रहा हूँ। क्या पता नहीं देखा फर्स्ट टाइम मैंने लाइट। तो अभी मैं बैक साइड में आया हूँ और बैक साइड से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बैक साइड से काफ़ी ऐसा लग रहा है। और इस तरफ में कैंटीन भी है, फिलहाल मैं इधर कैंटीन की तरफ जाऊँगा, अभी भूख लग रहा है मुझे थोड़ा। तो ये पार्क ही अच्छा लग रहा है, कहा है कि 30 रुपये में टिकट लेके आओ और आके मस्त में इधर 5-6 घंटा सो जाओ, सुकून की नींद आएगी। ऐसे भी शहर में नींद अच्छे से आता नहीं है गाड़ियों की आवाज़ से, यहाँ काफ़ी सन्नाटा है। मैं आप लोग को कुछ दिखाऊंगा, एक ट्री है यहाँ पर और ट्री में कुछ ऐसा बॉल जैसा ना कुछ लगा हुआ है ऊपर, यानी कि झाड़ पे लगा हुआ है, तो क्या है मुझे समझ तो नहीं आया। खैर आप लोग को शायद समझ आ जाए कि क्या चीज़ है, अगर समझ आए तो कमेंट कर देना नीचे। यही है भैया, क्या है पता नहीं है लेकिन समझ नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करिएगा जरूर क्या है। सो दोस्तों इस तरफ पीछे की तरफ वॉशरूम है, कैंटीन है, तो मुझे लगी है शुशु यार क्या करूँ, तो बहुत जल्दी में मैं भाग रहा हूँ, कहा बताए बहुत जल्दी भाग रहा हूँ। ये पीछे की साइड के इस पार में आया हूँ मैं अभी कैंटीन होके, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा पानी भी वैसा ऊपर चल रहा है, तो होते रहता है, छोटी मोटी बात है। और यहाँ से भी एग्जिट गेट है, यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं हम, लेकिन हम मेन जगह से एग्जिट लेंगे अभी तो। और वो झाड़ के नीचे चल रहा है चुम्मा चाटी, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। फिलहाल तो ये देखिए नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस तरफ छोटा सा एक तालाब है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है और यहाँ पर थोड़ी छाव है, ठंडी है। और फ्रंट साइड से अभी हम लेंगे कुछ फ़ोटोज़, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये फ्रंट साइड के पास ही आ गया मैं।
तो फाइनली दोस्तों बहुत घूम फिर लिया, अभी मैंने आप लोग को पूरा दिखा दिया है। और हाँ, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा।